एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक का लेक्चर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच सिंबल से, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसका वो फॉर्मूला क्या था तुम्हारे पास, डेल्टा यू इज इक्वल टू में क्यू प्लस में डब्ल्यू, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इनके यूजुअल मीनिंग है। यू क्या है इंटरनल एनर्जी है, क्यू क्या है तुम्हारी हीट है, डब्ल्यू क्या है तुम्हारा वर्क डन है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर तुम्हारा वर्क डन कौन सा हो रहा है, वर्क डन भी तुम्हारे दो टाइप के हमने पढ़ने हैं, एक तो तुम्हारे पास एक्सपेंशन हो सकता है, एक हो सकता है कंप्रेशन, ठीक है। तो दो वर्क डन तुम्हारे हो सकते हैं, वर्क तुम्हारे पास दो टाइप का हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है। अगर तुम्हारा वर्क डन होता है एक्सपेंशन टाइप का, एक्सपेंशन दैट मीन जिसमें तुम्हारी गैस जो होगी वो एक्सपेंड होती है, ठीक है। अगर गैस तुम्हारी एक्सपेंड होती है, फैल जाती है गैस, तो उसमें भी कुछ ना कुछ वर्क डन होगा ना, तो गैस ने कुछ काम किया है, यहाँ पे वर्क डन किया है, तो वो हो जाएगा वर्क ऑफ एक्सपेंशन, और वो हमेशा होता है नेगेटिव। दैट मीन्स उस वर्क डन को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर वर्क ऑफ कंप्रेशन तुम्हारे पास होता है, अगर कोई भी गैस क्या होती है कंप्रेस करती है, कोई भी गैस कंप्रेशन करेगी तो उसमें वर्क डन तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, यही डिफरेंस है। अगर वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है, गैस एक्सपेंड कर रही है, तो उसका वर्क डन नेगेटिव होगा, और वर्क ऑफ कंप्रेशन जिसमें वर्क जो है वो गैस जो है वो काम कर रही है, कौन सा काम, कंप्रेशन का, अगर गैस कंप्रेस होती है तो उसमें वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर भी हमें यही देखना है कि वर्क डन यहाँ पर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव का साइन होता है तो क्या पता चल रहा है कंप्रेशन हो रहा है, नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो हमें यहाँ पर डिफाइन करना है कि जो हमारी एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, छोटी सी बेसिक टर्म्स की जो हमने पढ़ी, एक्सपेंशन क्या होता है और कंप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो जो एच होती है, एच तुम्हारी एंथैल्पी होती है, ये भी तुम्हारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसे समझना है कि जैसे हमारे पास कोई भी सिस्टम है, चौक बेक सिस्टम है, इसके इनसाइड जो भी स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज टोटल एनर्जी, जो इसके इनसाइड स्टोर है उसको हम बोलेंगे हीट, हीट कंटेंट भी बोल सकते हो उसको, तुम एंथैल्पी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक जस्ट फॉर्म ऑफ हीट कंटेंट है इनसाइड ए सिस्टम, इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। अब डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि जो डेल्टा यू है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, कोई भी सिस्टम उसने वर्क डन किया हो, किसी भी टाइप का वर्क डन किया हो, तो ये फाइनल इंटरनल एनर्जी, ये तुम्हारी इनिशियल इंटरनल एनर्जी, तो फाइनल को इनिशियल से माइनस कर दिया हमने यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। और डब्ल्यू को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पी डेल वी, यानी वर्क डन जो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, पी डेल वी फॉर्म में। प्रेशर तुम्हारा कॉन्स्टेंट रहता है, वॉल्यूम तुम्हारा चेंज होता है, यानी जब तुम्हारे पास वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है उसमें तुम्हारी गैस जो होती है वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है, गैस एक्सपेंड करेगी तो वॉल्यूम चेंज होगा ना, जो प्रेशर होगा वो तुम्हारा कॉन्स्टेंट रहेगा बट वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ेगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगा इस वर्क डन में, तो कौन सा वर्क डन हो रहा है, एक्सपेंशन वाला हो रहा है, तो इसमें माइनस का साइन लगाया हमने, ठीक है। तो इसको भी तुम खोल के लिख सकते हो, क्यू पी कॉन्स्टेंट हो जाएगा तुम्हारा, वी बी माइनस में वी ए तुम्हारे पास हो जाएगा, ठीक है। यहां से तुम क्या करोगे, फाइनल फाइनल जो तुम्हारी टर्म्स होती है उसको तुम गेट टुगेदर लिख दोगे, तो फाइनल टर्म्स कौन सी होती है तुम्हारे, बी वी वाले टर्म्स को तुम क्या लिख दोगे, गेट टुगेदर लिख दोगे, जैसे यू बी प्लस में पी वी बी हो जाएगा, ये फाइनल टर्म। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 4, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है इसको हम आज स्टडी करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आज हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। इसमें हमने पढ़ा था जो एडियाबेटिक रिएक्शन होता है दैट इज चेंज इन क्यू दैट इज जीरो, ठीक है।
एडियाबेटिक एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें चेंज इन हीट जो होता है दैट इज जीरो, दैट मींस जितने भी तुम्हारा हीट कंटेंट है इन साइड द सिस्टम ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता है, डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, दिस इज योर एडियाबेटिक रिएक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है हम पढ़ेंगे वर्क डन, एक्चुअली वी विल स्टडी अबाउट वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। इसमें हमें क्या करना है कि जब भी कोई भी एडियाबेटिक रिएक्शन होता है उसमें कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन वाला वर्क हो रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क होगा, वही हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। जैसा हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है, थर्मोडायनेमिक। देखो जितने भी तुम थर्मोडायनेमिक पढ़ोगे सभी के अंदर तुम्हें सिर्फ एक ही लॉ सबसे ज्यादा यूज होगा, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को भी भूलना नहीं है, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू योर हीट प्लस वर्क डन तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तुम्हारा किसके इक्वल होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। इसमें हमें पता है कि अगर हमारा इसको हम जीरो चेंज करते हैं डी इज इक्वल टू में डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिया, इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर दिया, डी यू स्मॉल चेंज हो जाएगा इंटरनेशनल, डी क्यू स्मॉल चेंज इन हीट स्मॉल चेंज इन वर्क। हमें पता है कि एडियाबेटिक जो तुम्हारा रिएक्शन है, एडियाबेटिक रिएक्शन, एडियाबेटिक जो तुम्हारा रिएक्शन है उसके अंदर डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो इस वाली इक्वेशन में डी क्यू क्या हो जाएगा जीरो, तो इस वाली इक्वेशन में क्या डी क्यू तुम्हारा हो जाएगा जीरो। अगर डी क्यू जीरो हो जाएगा तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू में डी डब्ल्यू। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाया है हमने, उसमें क्या हुआ डी क्यू तुम्हारा जीरो, क्योंकि एडियाबेटिक रिएक्शन कोई हीट चेंज नहीं होता है जिसको हमने जीरो कर दिया है, तो डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन वर्क पढ़ रहे हैं, और एक्सपेंशन वर्क हमेशा क्या होता है माइनस पी डी डी होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी डी डी, ठीक है। तो अगर तुमने वर्क डन निकालना है इन एडियाबेटिक रिएक्शन में, जो तुम्हारा डी डब्ल्यू दैट इज वर्क डन जो होता है दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, अगर तुम किस किस रिएक्शन में इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट कर लेते हो तो तुम्हारा वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो डी यू है तुम्हारा दैट इज इक्वल टू माइनस, यानी इसको तुम ऐसा लिख सकते हो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में माइनस डी यू, माइनस को फाइंड कर लेंगे तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल है माइनस डी यू के, दैट मीन्स इसमें जो वर्क डन होगा दैट इज डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, मीन्स यहाँ पर जो वर्क डन होगा एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा, दैट मीन्स बाहर से कोई हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, अंदर सिस्टम में हीट चेंज नहीं हो रही है, तो वर्क डन कैसे हुआ, गैस कैसे एक्सपेंड हुई है, एक्सपेंशन वाला वर्क डन क्या होता है जिसमें गैस जो है एक्सपेंड करती है, तो एक्सपेंशन वाला वर्क डन हुआ कैसे, सिस्टम के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है इन फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, वो इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा सिस्टम टू डू द एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो इसमें जो इंटरनल एनर्जी यू है, ये इंटरनल एनर्जी यू जो है तुम्हारी ये डिक्रीज कर जाएगी, क्यों, क्योंकि जो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी इसके आगे क्या साइन माइनस का साइन है, अब इसके आगे माइनस का साइन करने से डिक्रीज हो रही, डिक्रीज क्यों हो रही, क्योंकि इसने वर्क डन किया, समझ में आया, तुम्हारी जो इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल होगी वो यूज होगी फॉर डूइंग द काइंड ऑफ वर्क डन फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डी एच किसके इक्वल हो रहा है, देखो डी एच के इक्वल निकालेंगे तो डी एच के लिए क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। इतना हमें पता चल गया है कि डी यू जो होता है वो किसके इक्वल है माइनस डी डब्ल्यू के है। एक एक्सप्रेशन और बताया था हमने हीट कैपेसिटी का, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अगर मैं इसमें हीट डिक्लेयर करूं यहां पर सी वी डिक्लेयर दैट इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दैट इज योर हीट कैपेसिटी। तो सी भी क्या है तुम्हारा, इसमें मैंने बताया था कि सी जो होता है अगर उसके सब्सक्रिप्ट में बी लगा हुआ है, सी तुम्हारी हीट कैपेसिटी है, बी तुम्हारा वॉल्यूम है, तो सब्सक्रिप्ट में जो भी लगा हुआ प्रेशर लगा हुआ वॉल्यूम लगा हुआ वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो सी मीन्स हीट कैपेसिटी और नीचे बी लगा हुआ है इसका मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम,
तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी एंड टेंपरेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इसके इक्वल होती है। ठीक है, अब हमें पता है कि डी यू इसके इक्वल जब हम इसे अगर डी यू निकालना चाहते हैं कैसे निकलेगा, तो डी यू इज इक्वल टू में सी वी डी टी। कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, जैसे क्या किया है डी यू निकाला, यहाँ से डी यू निकालोगे तो क्या चला गया डी टी जो इधर चला जाएगा ये क्या हो जाएगा सी वी डी टी, यानी डी यू इज इक्वल टू में सी वी डी टी हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो डेल्टा एच तुम्हारे पास होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू में डेल्टा यू प्लस में पी डेल वी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो डेल्टा एच क्या तुम्हारा चेंज इन हीट कंटेंट चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी प्लस में डेल वी, तुम्हारे पास थर्मोडायनामिक फॉर्मूला है। तो इस थर्मोडायनामिक फॉर्मूला में हमें देखना है क्या क्या कर सकते हैं। हमें हमने डेल्टा निकाल दिया, क्या होता है सी वी डेल्टा को जो है कि हम प्रीवियसली निकाल चुके हैं हीट कैपेसिटी से निकाला, हमें हीट कैपेसिटी से क्या निकाला है डी इज इक्वल टू सी वी डी टी हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या रख देंगे डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी हो जाएगा, ऐसे में डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एच निकाल लेना है, फिर पी डेल्टा कहाँ से निकाल सकते हो पी इज इक्वल टू एन आर टी, पी इज इक्वल टू एन आर टी से निकाल सकते हो पी डेल्टा की फॉर्म में उसको डिफरेंशिएट की फॉर्म में आर में कांस्टेंट डेल्टा आ गया, ऐसा है नंबर ऑफ मोल्स। तो आइडियली ऐसे इक्वेशन क्या होती है पी इज इक्वल टू एन आर टी होती है, और उसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखो तो पी डेल्टा इज इक्वल टू आर डेल्टा हो जाएगा। यहां पे रख दो तो पी डेल्टा इसके इक्वल टू आर डेल्टा टी, यानी यहां हमारा नंबर ऑफ मोल्स है इसको हमने इक्वल टू वन रख दिया है। ठीक है, हम लोग रख दो डेल्टा एच इज इक्वल टू सी वी डेल्टा पी प्लस क्या हो जाएगा आर डेल्टा पी हो जाएगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखो तुम्हारा क्या है सी वी और आर दोनों को तुम क्या कर सकते हो, मतलब यहाँ पर डेल्टा टी और डेल्टा टी तुम्हारे दोनों क्या है कॉमन है, दोनों को तुम क्या करोगे बाहर निकालोगे फुल डेल्टा टी इज इक्वल टू में सी वी प्लस में आर, और बाहर निकाल लिया हमने डेल्टा टी। ये समझ में आया, डेल्टा टी दोनों में प्रेजेंट है तो उसको हमने बाहर निकाल दिया है तो सी वी प्लस आर बचेगा इन साइड। ठीक है, डेल्टा एच के सी वी हो जाएगा तुम्हारा सी वी प्लस में आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है सी वी प्लस में आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है सी वी के, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो सी वी प्लस में तो डेल्टा एच हम यहाँ पर पढ़ रहे डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है सी वी प्लस में आर ब्रैकेट के बाहर क्या है डेल्टा टी है। तो तुम्हें पता है कि सी पी माइनस सी वी क्या होता है CP minus CV is equal to क्या होता है R के equal होता है। तो यहाँ से तुम क्या निकालोगे CP यहाँ से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा CP is equal to में CV plus में R। ठीक है, यही तो हमने किया CV plus में R यहाँ पे भी है CV plus में R है तो इसके equal CP के equal तो यहाँ पे CP रख दिया ये भी CP equal आ गया CP delta T। delta H का तो बाहर है हमारे पास CV content में जो change है enthalpy में जो change है is equal to CP delta T हो जाएगा। ठीक है, एक बात हमें ध्यान से देखनी है ये क्या डेल्टा टी क्या होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस में इनिशियल टेम्परेचर होता है, इसको मैंने लिखा टी टू माइनस में टी में लिखा है। ठीक है, दूसरी बात एक और याद रखते हैं जब इस रिएक्शन में तुम्हारा वाटर होगा इसके आगे माइनस का साइन आएगा, सिंपल सी बात है माइनस का साइन कैसे आएगा वो यहाँ पर देखना है जो तुम्हें पता है कि इस सिस्टम के अंदर तो तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे पास जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर वर्क कैसे हो रहा है सिंपल सी बात बताओ मुझे। ठीक है, वर्क कैसे हो रहा है वर्क हो रहा है एट एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, दैट मींस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है जो वर्क हो रहा है एट एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी इंटर एनर्जी का यूज हो रही है तो सिंपल सी बात है इंटर एनर्जी हमें डिक्रीज करनी चाहिए, अगर इंटर एनर्जी डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है, अगर पहले तुम्हारे पास T1 टेम्परेचर था बाद में T2 में कन्वर्ट हो गया, पहले मान लो इसका 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था बाद में इसका मिलेगा 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा, क्यों क्योंकि हमें पता है वर्क डन हो रहा है वर्क डन होगा तो इंटर एनर्जी यूज होगी, इंटर एनर्जी अगर मैं डिक्रीज करती है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा क्योंकि इंटर एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड अपॉन योर टेम्परेचर, तो
इसको उल्टा ही होगा, क्योंकि जो इनिशियल टेम्परेचर वो ज्यादा है और जो तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर तुम्हारा कम होगा, उसको क्या लिखो प्लस माइनस एक लिखो है। इसको मैं ऊपर ले लेती हूँ थोड़ा सा, एक ग्रेड भी हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ क्या लिखेंगे, लैम्डा एच इज इक्वल टू में सीपी हो जाएगा टी वन माइनस टी टू लिखो, इसको तुम टी वन माइनस टी टू आगे माइनस का साइन हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एक मिनट भी।